चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, गेहूं की कटाई हो रही थी। उस गेहूं के कटाई के बाद गेहूं के पेड़ से थ्रेसर मशीन द्वारा कैसे गेहूं निकालते हैं, मैंने उसको आपको दिखाया था। तो आज हम आपको दूसरी विधि द्वारा उस गेहूं के पेड़ से गेहूं कैसे निकालते हैं, कंबाइन मशीन द्वारा आपको हम दिखाएंगे गाइस। सो आइए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं उस कंबाइन मशीन द्वारा कैसे गेहूं को निकाला जा रहा है गेहूं के पेड़ से। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही कंबाइन मशीन है जिसके द्वारा गेहूं के पेड़ से खेत में से गेहूं निकाला जा रहा है। बाद अगला एक स्टेप होता है जो दूसरी मशीन द्वारा इस जो गेहूं का पेड़ बचता है जिसको डाट बोलते हैं, वो दूसरी मशीन द्वारा भूसा बनाया जाता है, उस भूसे को यूज में लिया जाता है। तो गाइस, इस कंबाइन मशीन द्वारा धान, मटर, चना और भी सारी चीजें आप इससे कटवा सकते हैं। आते हैं गाइस, वो गेहूं निकालने के बाद कंबाइन मशीन द्वारा उस एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में उस गेहूं को ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो हम आपको दिखाते हैं गाइस। कंबाइन मशीन द्वारा गेहूं की कटाई। देखिए गाइस, ये जितना भी गेहूं के पेड़ से गेहूं निकला था इस कंबाइन मशीन द्वारा, ये देखिए एक ट्रैक्टर की ट्रॉली पर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। इस मशीनों के आने से गाइस कितना टाइम का बचत होता है। आप देख पा रहे हैं, ये पूरे खेत को काट दिया है कंबाइन मशीन। धूप में चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कंबाइन मशीन द्वारा जब गेहूं की दवाई हो जाती है, गेहूं निकल जाते हैं, उसके बाद खेतों में छोटे छोटे डाट बचते हैं, उसको कैसे भूसे में कन्वर्ट किया जाता है, आइए हम आपको दिखाते हैं गाइस। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कंबाइन मशीन द्वारा गेहूं की दवाई करने के बाद ये जो डाट आप देख पा रहे हैं, ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं, ये डाट होता है। ये डाट मशीन को काटने के बाद नीचे से पूरा नहीं काट पाता, जब ये बच जाता है, उसके बचने के बाद गाइस इस मशीन द्वारा भूसा बनाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस मशीन द्वारा इसमें भूसा बनाकर उसमें ट्रैक्टर की ट्राली में इसमें भूसे को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पाइप द्वारा उसमें भूसा जा रहा है। देख रहे हैं गाइस, ये मशीन कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। आगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से रोटेट कर रहा है। गाइस, इसमें 7 क्विंटल भूसे आते हैं और इसको फिर भरने के बाद इसमें
ये डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, इसके डिस्कनेक्ट करने के बाद इसमें ट्रैक्टर द्वारा ये पीछे का पूरा ट्रॉली वाला हिस्सा वो लेके चला जाता है गाइस। देख पा रहे हैं वहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ा है इस भूसे को ले जाने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको वो लेके चले जाएंगे, इसी तरह से चेंज कर दिया जाता है, रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है इसको भरने के बाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।